हेलो बच्चों, नर्वस सिस्टम की सीरीज़ में मैं आपके साथ सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सोडियम पोटेशियम पंप यानी वो पंप जो हमारी बॉडी की हर सेल में लगातार वर्क कर रहा है। यस, सोडियम पोटेशियम पंप, एक तो कन्फ्यूज़न हम लोगों को ये होता है कि केवल जो एक्सोलेमा है, जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है या जो मसल सेल मेम्ब्रेन है जिसे सार्कोलेमा कह रहा है, सिर्फ वहाँ काम कर रहा। सोडियम पोटेशियम पंप केवल एक्साइटेबल सेल में ही नहीं, बॉडी की जितनी सेल हैं सब पे काम करता है। बॉडी की एक्साइटेबल सेल कौन सी है? नर्व सेल और मसल सेल। इसके अलावा भी बॉडी की जितनी भी सेल हैं सब में ये लगातार पंप काम करता है। इस पंप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्या इसके सिग्निफिकेंस है? क्या इसके बेनिफिट है? अगर ये पंप काम नहीं करेगा तो हमें क्या हार्म होगा? ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बेसिक सेल फिजियोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम, मसल, कई जगह इसका बेसिक आपको काम आएगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्यों वर्क कर रहा, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, लेट अस सी ऑल द थिंग्स इन सिंगल वीडियो। सोडियम पोटेशियम पंप कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनिक पंप, इसे इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कह रहा है। इस पंप को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपके साथ एक स्टोरी छोटी सी शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी क्या? एवोल्यूशन से रिलेट करके है। यू ऑल नो, हमारी आपकी जो ओरिजिन है वो सी वाटर, ओशियन वाटर में हुई है, जैसा हम लोग एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ ओशियन था, सी वाटर था। सी वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में? सोडियम क्लोराइड। तो हम जिस एनवायरमेंट में रहते थे, वी पीपल लिव इन दी ओशियन, वी पीपल लिव इन ओशियन और वी आर सराउंडेड बाय सी वाटर दैट इज़ रिच इन सोडियम क्लोराइड। इसी सेम कंसेप्ट के साथ नाउ हमारी बॉडी सेल फ्यूज होकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और अभी कंप्लीट इंडिविजुअल हैं। लेकिन इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट आर सेल्फ, अगर मुझे अपने बारे में जानना है तो मुझे सेल लेवल पे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल सेल कैसे काम कर रहा। बस यही इसका बेसिक है। बॉडी की जितनी सेल हैं अगर सब कंट्रोल्ड वे में काम करेंगी तभी तो आप परफेक्ट वे में वर्क कर पाओगे। ये जरूर है कुछ सेल्स एक्साइटेबल है और कुछ सेल्स हमेशा ही रेस्टिंग स्टेज में रहती हैं। एक्साइटेबल सेल, नर्व सेल और मसल सेल। यहाँ पे मैंने नर्व सेल एक्सोलेमा को लिया हुआ है क्योंकि आगे इसी की नर्व इम्पल्स मुझे डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, दिस इज एक्सोलेमा। सेल के बाहर जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये तो हमें मालूम है। हमारे बॉडी में, इन आर बॉडी देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बाहर की तरफ और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं वो अंदर की तरफ है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इट इज़ वेरी रिच इन मोनोवेलेंट कैटायन सोडियम आयन। तो अभी मैंने रिलेट भी किया था, सी वाटर में हमारी ओरिजिन हुई है तो जो चारों तरफ का वाटर है वो सोडियम क्लोराइड से रिच है। यहाँ सोडियम और क्लोराइड दोनों है लेकिन हमारा प्राइम कंसर्न, यस प्राइम कंसर्न सोडियम आयन रहता है। तो मैं हमेशा अपने डिस्कशन में सोडियम आयन ही लूँगा। तो सोडियम आयन चारों तरफ प्रेजेंट है, ये पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यहाँ भी हर तरफ सोडियम आयन प्रेजेंट है एवरीवेयर। सेल के अंदर का जो फ्लूइड है जिसे हम साइटोप्लाज्म या यहाँ पे एक्सोप्लाज्म कहेंगे, इट इज रिच इन मोनोवेलेंट कैटायन, दिस इज पोटेशियम आयन। ये मोनोवेलेंट कैटायन पोटेशियम आयन में रिच है। यू नो सेल्स आर द बैग ऑफ पोटेशियम आयन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सेल्स आर बैग ऑफ, ऑप्शन रहता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, वी टिक ऑन पोटेशियम आयन। साइटोप्लाज्म में कौन सा मोनोवेलेंट कैटायन सबसे ज़्यादा होता है? यू विल ऑलवेज टिक ऑन पोटेशियम आयन। तो साइटोप्लाज्म यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होगा, और साइटोप्लाज्म है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो यहाँ एंजाइम्स, प्रोटीन, ये सब भी तो प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके पास निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है और पी पे निगेटिव, मतलब एन आयनिक प्रोटीन, इट मीन्स एन आयनिक प्रोटीन। तो
हमें क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम आयन है, इंट्रा सेलुलर फ्लूड में पोटेशियम आयन है और लार्ज साइज के एनायनिक प्रोटीन है। तो ECF और ICF का कंपोजिशन हमें पता चल गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में हमेशा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इंट्रा सेलुलर फ्लूड में भी सोडियम आयन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमेशा ही इंट्रा सेलुलर फ्लूड के कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। पहला कमेंट, ECF में और ICF में दोनों जगह सोडियम आयन है, बट ECF में सोडियम आयन 10 टाइम्स मोर है ICF के कंपेयर में। सेकेंड मेरा फैक्ट क्या है, पोटेशियम आयन ICF में भी है ECF में भी है, लेकिन पोटेशियम आयन ICF में इंट्रा सेलुलर फ्लूड में 30 टाइम्स ज़्यादा है। तो जब भी किसी आयन की कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, रिलेटिव रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि कौन कहाँ ज़्यादा है, तो सोडियम आयन यहाँ ECF में ज़्यादा है और पोटेशियम आयन ICF में ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन वेरी कर रहा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सोडियम आयन लगातार ECF से आने की कोशिश करेगा ICF में, और पोटेशियम आयन लगातार ICF से कोशिश करेगा कहाँ जाने की, ECF में, क्योंकि कंसंट्रेशन वेरी कर रहा। डिफ्यूजन ग्रेडियंट का हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है जो हम स्कूल डेज में पढ़ते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेंगे। लेकिन अगर सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, सेल की रिजिडिटी मेंटेन करनी है, सेल की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है, हम ये चाहते हैं कि सेल परफेक्टली वर्क करे, तो हर कंडीशन में सोडियम आयन ECF में ज़्यादा होना चाहिए और पोटेशियम आयन ICF में ज़्यादा होना चाहिए। अगर इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये अगर अपनी पोजीशन वैरी कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, the osmolarity of cell will be lost, cell either can swell or it can shrink, ultimately it will not perform their function. To maintain the function of cell, it is necessary to maintain sodium ion concentration in ECF and potassium ion concentration in ICF. To maintaining this, a pump is operating at cell membrane. This pump is called sodium potassium pump, can also be called as electrogenic pump. तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम की रिस्पेक्टिव पोजीशन जहाँ जो प्रेजेंट है उसका वही प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो सेल की ऑस्मोलैरिटी लॉस होगी, सेल का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पॉइंट, और आगे बढ़ने से पहले, सेल अभी हमारी रेस्टिंग स्टेज में है, दिस इज दी रेस्टिंग स्टेज। बॉडी की जितनी सेल है सभी रेस्टिंग स्टेज में होती हैं। नर्व सेल और मसल सेल ऐसी सेल है जिन्हें रेस्टिंग से एक्साइटेबल स्टेज में चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए कोई दोस्त है आपका, वो रेस्टिंग स्टेज में है, आप उससे कह भी रहो कि यार नीट की तैयारी कर लो, वगैरह ठीक है कर लेंगे, अभी 2 महीने बाकी हैं, कौन सी आफत आ रही है। कोई एक ऐसा दोस्त है जो रेस्टिंग स्टेज में, लेकिन आपने उसे कह दिया 2 महीने का टाइम है, अभी तक अपन सेलेक्ट हो रहे थे और अब चांस है कि हम रैंक ला सकते हैं, आपकी ये बात सुन करके अगर वो एक्साइट हो जाए कि नहीं अब हमें सिलेक्शन के लिए नहीं रैंक के लिए लड़ाई लड़नी है, मतलब उसका रेस्टिंग स्टेज एक्साइटेबल स्टेज में चेंज हो रहा। दिस इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल एंड मसल सेल। आप जानते हो कितने लोग हैं जिन्हें मोटिवेट किया जाए तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, बहुत कम लोग हैं, आप उनसे कहते रहो वो रेस्टिंग स्टेज में बने रहते हैं। यही प्रॉपर्टी बॉडी की है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी रेस्टिंग स्टेज, ओनली नर्व सेल एंड मसल सेल हैव दी प्रॉपर्टी दे कैन चेंज देयर रेस्टिंग स्टेज टू एक्शन स्टेज, दैट मीन्स देयर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी चेंज इन टू एक्शन पोटेंशियल, मीन्स वेन दे आर शोइंग दी एक्शन। तो सीधा सा लॉजिक है, जैसे ज़्यादातर लोग सोसाइटी में रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, अब उन्हें चाहे लाख कहो कि कर लो लेकिन सुनते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जरा सा उन्हें सिग्नल मिलता है दे स्टार्ट वर्किंग, इसका मतलब उनका रेस्टिंग स्टेज चेंज हो रहा एक्शन पोटेंशियल में। इस लॉजिक के साथ अगला लॉजिक मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ, क्या पॉइंट है इसमें,
कि सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में सोडियम आयन जब बाहर है, पोटेशियम आयन जब अंदर है, सोडियम आयन बाहर से अंदर मतलब ईसीएफ से आईसीएफ में आ रहा और पोटेशियम आयन आईसीएफ से ईसीएफ में जा रहा। अगला क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो कि सर रेस्टिंग स्टेज की आप बात कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने मेंटेन कर दिया और आप कह रहे हो कि सोडियम आयन ईसीएफ से आईसीएफ और आईसीएफ से ईसीएफ में जा रहा, यहाँ तक हमें एक्सेप्टेड है, लेकिन ये आप अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का क्या आपका लॉजिक है? दोनों ही तो मोनोवैलेंट कैटायन है, तो फिर ये पार्शियलिटी की और ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा कि अंदर आपने नेगेटिव क्यों किया और बाहर पॉजिटिव क्यों किया। इसका आंसर आप ध्यान से सुनते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं अगर कोई हमसे एमसीक्यू में या वाइवा में कभी पूछे स्कूल एग्जाम में। पहला आंसर, When cells are present in the resting stage, cells are highly permeable, almost 100 times more permeable than sodium. Cells are highly permeable for potassium, almost 100 times more than the sodium. सेल्स जब रेस्टिंग स्टेज में होती है, कोई उसमें इम्पल्स नहीं हो रहा, वो 100 टाइम्स ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए तो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा भी जाए और पूछा जाए कि रेस्टिंग स्टेज में सेल्स आर शोइंग मोर परमिएबिलिटी फॉर, यू कैन टेक ऑन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन ऑप्शन, अगर सोडियम पोटेशियम बोथ दे रखा है तो बोथ, अदरवाइज सिंगल ऑप्शन पोटेशियम आयन, क्योंकि पोटेशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी रेस्टिंग स्टेज में 100 टाइम्स ज़्यादा है। सोचो, और अगर 100 टाइम्स ज़्यादा है तो ये जो सोडियम भाई साहब है ये तो अंदर आ ही नहीं पा रहा है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ये अंदर आ ही नहीं पा रहा, और जो पोटेशियम जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है रेस्टिंग स्टेज में जब इनके लिए 100 टाइम्स परमेबिलिटी ज़्यादा है तो पोटेशियम आयन तो बाहर जाता जाएगा, और पोटेशियम आयन जब बाहर जाएगा तो अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव, पोटेशियम चला गया, अब साम्राज्य किसका है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, वो तो यही वेट कर रहा था। प्रोटीन लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है, ये तो सेल मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये यहीं रह जाएगा। तो जब प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जब वो साइटोप्लाज्म से बाहर नहीं निकल पाएगा और पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबिलिटी है, वो बाहर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली तो अंदर नेगेटिव चार्ज आना ही है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आना है, इसमें कहाँ कोई मतलब प्रॉब्लम है। जो ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि आप अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव क्यों कर रहे हो, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है रेस्टिंग स्टेज में, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज सेल मेम्ब्रेन इज वेरी परमिएबल, वेरी हाई परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन एंड ऑलमोस्ट नॉट परमिएबल फॉर सोडियम आयन, और जब पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, जिससे अंदर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पहला आंसर इसका, और आगे भी इसके आंसर्स मिलेंगे। पहला आंसर पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, दूसरा आंसर नेगेटिविटी हो रही है क्योंकि अंदर रह कौन गया? एनायनिक प्रोटीन, जिससे अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव होगा। इसका तीसरा आंसर ध्यान से सुनना, पोटेशियम आयन तो बाहर चले गए, सोडियम आयन अंदर आ गया। अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो सेल की तो ऑस्मोलैरिटी लॉस हो जाएगी, सेल का फंक्शन लॉस हो जाएगा। इसी को रीस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इस प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। नेम से पता चल रहा है ये वो प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम करता है, ये वो प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह वर्क करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। यहां पे मैंने ये सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रखी है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रोटीन दिखा रखा है, यहाँ पे ये प्रोटीन दिखा रखा है। सोडियम पोटेशियम मतलब इस प्रोटीन या इस एंजाइम के पास सोडियम से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर साइट है, पोटेशियम से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर साइट है, ये एंजाइम सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इतनी चीज़ें क्लियर है। पोटेशियम के लिए कितने बाइंडिंग साइट है इस एंजाइम के पास? 2। सोडियम के लिए कितने बाइंडिंग साइट है? 3। तो सोडियम पोटेशियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एंजाइम के पास सोडियम पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट हम जोड़ रहे हैं एटीपेज, मतलब इस एंजाइम इस प्रोटीन के पास एटीपेज एक्टिविटी भी है। एटीपेज एक्टिविटी दैट मीन्स इट कैन ब्रेक एटीपी टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
एटीपी जब ब्रेक होगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। सेल मेम्ब्रेन पे ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन ज़्यादा बाहर चले गए हैं, जो प्रोटीन ज़्यादा बाहर चले गए, अभी हम लोगों ने देखा था प्रोटीन ज़्यादा बाहर चले गए हैं, दो प्रोटीन को बाहर से बाइंड करेगा और अंदर से कितने सोडियम आयन को बाइंड करेगा, 3। जैसे ही अंदर से 3 सोडियम आयन और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को बाइंड कर रहा, इसका स्ट्रक्चर पूरा कन्फॉर्मेशन ऐसे चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। कन्फॉर्मेशनल चेंज के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी के ब्रेकडाउन से। एटीपी ब्रेक होगा एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, 2 पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और 3 सोडियम आयन कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मतलब जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण सोडियम पोटेशियम की लोकेशन चेंज होगी, इसे रीस्टोर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन पे जो पंप काम करता है, वो पंप पोटेशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन को रिस्पेक्टिवली मेंटेन करेगा, पोटेशियम को ICF में और सोडियम को ECF में। इस पंप को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, बिकॉज इट इज वर्किंग अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर ला रहा है, बाहर जबकि कम है फिर भी इसे अंदर ला रहा है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा। सोडियम आयन ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, फिर भी इसे अंदर से बाहर ले जा रहा। तो जो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जो इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल यू नो क्या, डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम या प्रोटीन की हेल्प से हो रहा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अगर कहा जाए तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में उसे कहते हैं जो डायरेक्टली एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे। तो अगर इसे पोटेशियम और सोडियम को अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है तो डायरेक्टली एटीपी चेंज हो रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस तरीके से 3 सोडियम आयन ईसीएफ में आ जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन कहाँ जाएंगे, आईसीएफ में। एग्जाम्पल के लिए ये जो पंप वर्क कर रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, अगर ये पंप मेरे एक सिंगल सेल में 1000 times वर्क करे, यस कितने टाइम्स, 1000 times, तो 1000 times अगर ये वर्क करेगा तो कितने सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे, 3000, कितने पोटेशियम अंदर आएंगे, 2000। मतलब अभी भी अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कम है। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप भी यही इंश्योर करता है कि अंदर निगेटिव चार्ज रहे। तो कौन कौन से फैक्टर है जिससे अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है, रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने का काम सोडियम पोटेशियम पंप का है, रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज़्यादा है, पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए अंदर नेगेटिव है, अंदर लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है इसलिए अंदर नेगेटिव है। सोडियम पोटेशियम पंप भी जब ऑपरेट करता है तो 3:2 के फार्मूले पर वर्क करता है, मतलब 3 सोडियम आयन को बाहर करेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर करेगा, 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर। इसीलिए तो इस पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी ये पंप वर्क करेगा अंदर की तरफ चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो सोचो इस पंप को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप की। और सोडियम पोटेशियम पंप तो तभी काम करेगा जब एटीपी चेंज होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मतलब इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डू यू बिलीव और नॉट, हमारी बॉडी की 25% एनर्जी, बॉडी की जितनी सेल हैं सिर्फ इसीलिए एक्सपेंडिचर हो जा रही है कि हर सेल का सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन रहे। और नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू में तो 50% से ज़्यादा एनर्जी केवल सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपर वर्क करे इसके लिए खर्च होती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्योंकि सेल की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रही हैं, सेल की रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन कर रही हैं, तो ये सारा सिग्निफिकेंस सोडियम पोटेशियम पंप का है। अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे।
तो बॉडी की जितनी सेल है सब पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक्सॉन का केस लेकर के चल रहा है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेस बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा, यू विल टेक ऑन सोडियम पोटेशियम पम्प 25% पूरी बॉडी में, और नर्वस और मसल में तो 50% से ज़्यादा। एक और क्वेश्चन बन सकता है, यानी सोडियम पोटेशियम पंप का नंबर नर्वस जो सेल है, जो नर्व सेल है, जो मसल सेल है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा रहता है इन कंपेयर टू नॉर्मल सेल, क्योंकि नर्व सेल और मसल सेल के रेस्टिंग स्टेज को बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि ये बड़ा जल्दी एक्साइटेबिलिटी भी शो करती हैं। जो लोग ज़्यादा एक्साइटेबल रहते हैं उनको रेस्टिंग स्टेज में लाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आप इसे देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप का जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, आगे मैं आपको नर्व इम्पल्स यानी डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो ये बेसिक था सोडियम पोटेशियम पंप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।